अमूल का ट्विटर हैंडल हुआ ब्लॉक। चीन और भारत के तनाव को लेकर किया था पोस्ट। चीनी मिलिट्री के संदर्भ में क्रिएटिव पोस्ट किया था। चीन और भारत की सीमा के बढ़ते तनाव को लेकर अमूल ने क्रिएटिव पोस्ट बनाया था और वो उसे महंगा पड़ गया। अमूल के इस पोस्ट के बाद ट्विटर ने बगैर कोई जानकारी दिए अमूल के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया। दरअसल अमूल गर्ल्स सोशल मीडिया पर अपनी व्यंग भरी तस्वीरों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार तो पासा उल्टा ही पड़ गया और ट्विटर ने अमूल पर चीन के खिलाफ कैंपेन चलाने की वजह से ब्लॉक कर दिया। अमूल गर्ल की एग्जिट द ड्रैगन तस्वीर के माध्यम से देश का मूड जाहिर कर रही थी। तस्वीर में ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमूल गर्ल एक ड्रैगन से लड़ रही है। हमको मालूम नहीं कि ये ट्विटर पे हमारा अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया। 4th की रात को हमको कुछ हमारे जो फॉलोअर से पता चला कि अमूल का अकाउंट एक्सेसिबल नहीं है। जब 5th को हमने भी चेक किया, इट वॉज नॉट एक्सेसिबल, तो हमने फिर उसका जो प्रोसेस और प्रोटोकॉल फॉलो करके उसको रीएक्टिवेट किया। देखिए, ये जो कमेंट है वो अमूल के नहीं है, ये अमूल भटगर के है, जो पिछले 55 साल से कुछ भी जो भारत में या विदेश में कहीं भी कुछ होता है उसके लिए नेशन का क्या मूड है, नेशन का क्या कमेंट है, उसको बहुत ही फनी वे में बहुत ही मजाकिया तरीके से बताती है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। और अगर किसी को किसी के बारे में कुछ गलत भी कहा जाता तो कोई माइंड नहीं करता। अभी ये अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ था 4 की रात को और 5 की सुबह, हमने ट्विटर को पूछा है, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज आया नहीं। बट मैं इतने कह सकता हूं कि ये बटर गर्ल मूड ऑफ द नेशन बताती। ट्विटर ने एक मीडिया कंपनी से बातचीत के दौरान सफाई देते हुए कहा, हैंडल को सस्पेंड नहीं किया गया बल्कि सिर्फ आवश्यक वेरिफिकेशन पूरा होने तक उसके एक्सेस को रोका गया था। ईशा मालवी की रिपोर्ट, गुजरात तक।